कहना चाह रहे हो कि ये शिवानी में कम अकल है, ऐसा कहना चाह रहे हो? अकल कम नहीं हो, ना समझ है भाई, बचपन मतलब कुछ नहीं बोलते थे, ना समझ मतलब वही अकल कम कुछ भी नहीं, बहुत चेते 24 साल तो गाइस एल्विश यादव काफी ज्यादा भड़क गए हैं अभी लवकेश कटारिया और शिवानी कुमारी पर और वहीं पर लक्ष्य अर्चित पर, क्योंकि लवकेश कटारिया अभी मिलने गए थे शिवानी कुमारी से, तो उन्होंने लक्ष्य और अर्चित ने माफी मांगी थी, तो उस पर शिवानी के रिएक्शन को देखकर एल्विश यादव काफी ज्यादा गुस्सा हो गए, जहां शिवानी कुमारी के लिए उन्होंने बिग बॉस हाउस में कुछ बोल दिया था। मैं उनका छोटा सा क्लिप दिखाता हूं आपको, आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कटारिया भाई, मैं आजकल जो ट्विटर पे चल रहा है बहुत सारा मैं देख रहा हूं कि लक्ष्य अर्चित कटारिया ये लोग थोड़ा ट्रेंडिंग में हेट में चल रहे हैं, नेगेटिवली ट्रेंडिंग में, वो तो कोई नहीं, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट ऑफ लाइफ, चलो कोई नहीं यार, मैं तो कटारिया से पूछना चाहूंगा, कटारिया थोड़ा प्रोडक्शन अच्छा प्रोडक्शन बढ़ा ले, लाइट आ गई है, देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं मेरी इनसे बात भी होगी, वो सारी चीजें क्लियर है, बस मेरे को शिवानी से देखो मेरी बातचीत है नहीं, कभी होगी भी नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता ऑल दो, बट मैं कटारे की बहुत खास दोस्त है, इसलिए मैं जस्ट कटारे से बोलना चाहूंगा कि द वे शी रिएक्टेड आफ्टर दे सेड सॉरी टू हर वाज जस्टिफाइड और नॉट। भाई देखो जस्टिफाइड तो सिंपल सा नहीं, मतलब इन्होंने आगे से सॉरी बोला, इन्होंने अगर कुछ बोला भी होगा तो इन्होंने सॉरी बोला, ये बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, बहुत अच्छा जैसे भाई होगा, जैसे उसने बोला भाई सिंपल सी बात है, मेरे को भी मैंने ब्लॉग तुम्हारे उसके बाद देखा, मेरे को बुरा लगा, मैंने सोचा कॉल भी करता हूँ, पर वो भी आज बैंगलोर थी, मैं शूट की बात करूंगा, पर यार असलियत में ना वो बैंगलोर में फोन नहीं होगा कोई नहीं, वो ऐसी है यार, वो थोड़ी ना समझती है, मतलब वो कुछ भी बोल देते जो उसके मुंह में आता है, ये मेरे को भी पता क्योंकि बिग बॉस के घर में भी वो ऐसी, वो ऐसी है, पर वो मीन नहीं करती भाई इन चीजों को, हाँ मेरे को भी लगा कि हाँ भाई गलत बोल रहा है, ऐसे क्यों बोला, क्योंकि उस प्रेम में था भी नहीं, मैंने ब्लॉग भी तुम्हारे बाद देखा, समझा दूंगा उसको भी कॉल करके, मगर भाई ये गलत है, ये चीजें अगर बोलनी भी थी तो हम वहीं पे थे, मेरे के सामने भी बोलती मैं तो इनफैक्ट इनको भी कहता मगर सॉरी मांग लो यार, क्या बात हो गई इसमें, कोई सॉरी मांग लो, बोला गया सॉरी मांगने के लिए, नहीं मतलब मैं तो मजे ले रहा था, बोला भी था पर मजे में मैं बोला था, ऐसी कोई बड़ी भड़क नहीं है यार, वो थोड़ी बड़ बोली, मैं कहूँ बालक तो सॉरी मांगने वालों में से तो ना, ये हर जगह मांगने वाले मतलब कहना चाह रहे हो कि ये शिवानी में कम अकल है, ऐसा कहना चाह रहे हो? अकल कम नहीं हो, ना समझ है भाई, बचपन मतलब कुछ नहीं बोलते थे, ना समझ मतलब वो अकल कम कुछ भी ना, बहुत चेते 24 साल इस तरह का डेथ कोई डिजर्व नहीं करता है, डॉक्टर और नॉन डॉक्टर। तो गाइस एक शॉकिंग न्यूज बाहर निकल के आ रही है वेस्ट बंगाल की साइड से, जहां एक 31 ईयर ओल्ड डॉक्टर थी जो स्टडी भी कर रही थी, तो वहीं पर उन्होंने चार लड़कों ने करके डेथ हो गई है, जहां उन्होंने सुसाइड घोषित कर दिया है, तो वहीं उनके फादर के पास कॉल जाता है हॉस्पिटल अथॉरिटी की साइड से, और वो सीधा ही बोल देते हैं कि आपकी लड़की ने कर लिया है। तो इसी चीज को लेके जब उनके फैमिली वहां पहुंचते हैं, तो वहां पे जो ऑफिशियल्स रहते हैं उनका भी नाम अभी तक बाहर नहीं बताया गया कि उन्होंने कॉल किसने करा था, और वहीं पर सारी चीजें बाहर आने के बाद पूरे देश में प्रोटेक्शन चालू हो गया है, जहां पर मैं कुछ इंटरव्यूज भी आपको दिखा देता हूं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं मेरी लड़की ने सुना है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा कैसे? बोले नहीं उन्होंने कहा कि ये सुसाइड है। हम चार जन मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा, एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार कि ये जो मर्डर हुआ है ये एक इंसान नहीं कर सकता है, और जो सीमेन एनालिसिस हुआ है हमारे विक्टिम के वेजाइना में, उसमें 2 से 3 लोगों के सीमेन आए हैं, तो हमें चाहिए कि पुलिस और अथॉरिटीज पहले तो ट्रैक करे जिन्होंने भी ये दुष्कर्म किया है, उसके बाद एवरीवन शुड बी हैंग्ड, क्योंकि इस तरह का डेथ कोई डिजर्व नहीं करता है, डॉक्टर और नॉन डॉक्टर से मतलब नहीं है, दिस इज वेरी सैड एक्चुअली। और तेरा ओपन चैलेंज है, कभी पीठ पीछे वार नहीं करूंगा, सामने से वार करूंगा अगर दम है। वहीं गाइस एजाज खान के फ्रेंड प्रदीप ढाकाजार की वापस से कंट्रोवर्सी हो गई है राजवीर फिटनेस से, जहां पर राजवीर फिटनेस से फुल रिप्लाई करा था कि तुम कहीं भी मिलने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आके मिल लूंगा, तो वहीं पर अब प्रदीप ढाकाजार का रिप्लाई क्या आया, मैं उनका छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूं। धाराड़े तुझे खाली क्षेत्र की धारा पता है, 307 और 308 कभी नहीं देखी है, और 302 तो तेरी पीटी ने भी नहीं देखी होगी। सुन तेरे से ओपन चैलेंज है, कभी पीठ पीछे वार नहीं करूंगा, सामने से वार करूंगा, अगर दम है तो आज तेरे इंस्टाग्राम में अपना मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ, देखता हूँ कितना बड़ा तू मर्द है, आजा। और इंजेक्शन की दुकान, फूले हुए पाउडर, सिर्फ तू इंस्टाग्राम का बदमाश है, बातें बातें तेरे बस की कुछ नहीं है, कब आएगा आजा देखता हूँ। और जब तू ये भाव भाव लगा रहा ना, तेरा ही भाव तेरे चूतड़ों में घुसता हुआ दिखेगा, एक का भाव तूने 10 लगाया ना, मैं 1 का 30 का भाव दूंगा, आजा। मत करो, मुनव्वर फारूकी ने मुझे बोला है
और वहीं गाइस एजाज खान वापस से सपोर्ट में आ गए मुनावर फारूकी के, जहां पर रिसेंट टाइम में मुनावर फारूकी ने एजाज खान और उनके फ्रेंड्स को काफी कुछ कह दिया था, जिसके बाद बायकॉट मुनावर फारूकी ट्रेंड कर रहा था। तो वहीं पर अब एजाज खान ने क्या कहा है, फारूकी पे आप लोग एक ट्रेंड चला रहे हो बॉयकॉट मुनावर फारूकी, क्यों यार? किसी को इतना प्यार देते हो, उसको जिताते हो, उसको आसमान तक ले जाते हो, फिर उसको गिरा देते हो। ऐसा मत करो, मुनावर फारूकी ने मुझे बोला है स्पेशली फोन करके कि भाई मैंने किसी अल्लाह के वलियों पे और औलियाओं पे मैंने कोई भी कमेंट नहीं किया हूं, ये वॉइस नोट सुनो आपको पता चलेगा। और भाई उसको प्यार करो, गालियां मत दो किसी को, अगर ले जाते हो ना तो ऊपर तक ले जाओ, नीचे मत खींचो मेरे यारो। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, ये वॉइस नोट तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। पहले तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करता हूँ खैरियत से होंगे घर में सब। भाई आप मेरे को जितना जानते हो वो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के वलियों की इज्जत क्या है और उनका रुतबा क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि मैं ना समझूं।